हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि कैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर और नीचे जाता है। ये पूरा गेम डिमांड और सप्लाई यानी मांग और पूर्ति का है। जब ज्यादा लोग किसी स्टॉक को खरीदते हैं, जिसका मतलब ये है कि उस शेयर की मांग ज्यादा है उसकी पूर्ति से, तो यहाँ उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह जब ज्यादा लोग स्टॉक को सेल करते हैं, जिसका मतलब ये है कि इस शेयर की पूर्ति ज्यादा है उसकी मांग से, तो यहाँ पर शेयर का प्राइस कम हो जाता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अमित, जिसकी एक स्ट्रॉबेरी की फार्म है, इन अ पीक सीजन जब स्ट्रॉबेरी मार्केट में ज्यादा डिमांड में नहीं होती, तब अमित उन स्ट्रॉबेरीज को लोअर प्राइस पर बेचता है, क्योंकि उसकी स्ट्रॉबेरीज की डिमांड मार्केट में नहीं है। इन ऑफ सीजन अब अमित स्ट्रॉबेरीज बहुत लिमिटेड प्रोड्यूस करता है और इस समय मार्केट में स्ट्रॉबेरीज की सप्लाई कम है और अमित की स्ट्रॉबेरी की डिमांड ज्यादा है, तब अमित इन स्ट्रॉबेरीज को ज्यादा प्राइस पर बेचेगा। जैसे कि स्ट्रॉबेरीज की डिमांड और सप्लाई से उसके प्राइस में चेंजेस हुए हैं, ठीक उसी तरह से किसी स्टॉक की डिमांड और सप्लाई से उसका शेयर भी बढ़ता भी है और कम भी होता है। शेयर की डिमांड बढ़ने से शेयर का प्राइस भी बढ़ता है और डिमांड कम होने से शेयर का प्राइस भी कम हो जाता है। ये एक बेसिक रूल है इकोनॉमी का, जहां पर पूर्ति और मांग एक दूसरे से अलग अलग चलते हैं। अब इस पर इन्वेस्टर की साइकोलॉजी को जानते हैं। सप्लाई और डिमांड को समझना बहुत इजी है। अगर कुछ समझना मुश्किल है तो वो ये है कि लोगों को कौन सा शेयर पसंद आता है और कौन सा नहीं, यानी हमें नहीं पता होता कि इन्वेस्टर की डिसलाइक और लाइक के बारे में। लोगों की पसंद और नापसंद जानने के लिए हमें ये पता होना जरूरी होता है कि कौन सी न्यूज किस कंपनी के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रही है, कौन सी न्यूज कंपनी के लिए नेगेटिव है और कैसे उस कंपनी की न्यूज पर लोगों का रिएक्शन होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपनी की अर्निंग्स की। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कंपनी की वैल्यू को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, वो है कंपनी की अर्निंग्स। अर्निंग्स कंपनी का प्रॉफिट होती है और इसके बिना कंपनी लॉन्ग रन तक सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है तो वो ज्यादा टाइम तक बिजनेस में नहीं रह सकती। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको कंपनी हर क्वार्टर पर अपने रिजल्ट के थ्रू अनाउंस करती है, जिससे कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी के लॉसेस और कंपनी के डेट का पता चलता है। अगर कंपनी का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बेटर आता है तो उस शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और अगर उस कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस बहुत कम हो जाता है। कोई भी श्योर नहीं जानता कि कौन से फैक्टर्स स्टॉक के प्राइस को इफेक्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कब स्टॉक का प्राइस कम होगा और कब स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, और जबकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि कंपनी के चार्ट्स और पास्ट के प्राइस मूवमेंट को देखकर पता लगा सकते हैं कि कब हमें बाय करना चाहिए और कब उस स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए। हमें बस एक बात याद रखनी चाहिए कि स्टॉक बहुत वॉलेटाइल होते हैं और उनका शेयर प्राइस बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है, लेकिन अगर फंडामेंटल्स लेवल पर देखा जाए तो सप्लाई और डिमांड से ही किसी भी कंपनी के स्टॉक को डिटरमाइन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर जरूर ध्यान रखें, जो हमने इस वीडियो में बताए भी हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हम आपके साथ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग।